मैं जम्मू कश्मीर फैसला शाह जे के ड्यूटी से राकेश शर्मा वनर वर्किंग जनरल सेक्रेटरी। आज मैं ये बात बिल्कुल खुले दिल से और अपनी टीम के साथ, जो हमारे प्रेसिडेंट हमारे अजय गुप्ता जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे संजय बरोल जी, हमारे चीफ एडवाइज़र गोपाल जी, सेक्रेटरी मैनेजमेंट प्रदीप जी और सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे अमन जी, आज जो हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो मेन मुद्दे जो भी बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, जैसे कि हमारा मुद्दा था टोल प्लाजा का। देखो, टोल प्लाजा का मकसद होता कि कनेक्टिविटी चाहिए हमें, और कनेक्टिविटी के लिए तो रोडों की ऐसी हालत है नहीं जैसे हम जितना वो टोल प्लाजा हमसे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हर जगह इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि कैसे जम्मू के लोगों से पैसा बाहर निकालना, एक सिस्टम बना दिया, डेवलप कर दिया इन्होंने, कई कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से उन्होंने पैसा निकालने का एक सिस्टम बना दिया जो हमारी जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नंबर दो, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। भाई, स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपके बिल 10, 15, 20, 50% पिछले से ज़्यादा आ रहे हैं बिल, वो कैसे आगे बढ़ गए। अभी आगे हम जो पेड करते थे इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉर्मल रेट पे आता था और सेटिस्फैक्ट्री लोग पेड करते थे, लेकिन आज एक छोटा सा घर हो, मतलब कि जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, वो भी उनके बिल 1 लाख से अब आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, कोई इस चीज़ के लिए कोई वेरीफाई नहीं कर रहा। और लास्ट 3 महीने से हमें कोई प्रॉपर बिल नहीं दिए गए, हमें कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स कीजिए। वही ऑनलाइन पेमेंट, जो गरीब बंदा है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो इतना महंगा मोबाइल कहाँ से लेके आएगा उसको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। देखो, सिस्टम ऐसा होता है कि हमारे जम्मू शहर जो है वो एक मिडिल फैमिलीज के लोगों के लिए, मैक्सिमम कुछ लोगों जो इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो देखना चाहिए कि जिसके पास मोबाइल नहीं होगा वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेगा। उसके सिस्टम में बिल्कुल तोड़ के रख दिया, उनका बिल 3 महीने का बाद तो मोर देन लैक्स से आ रहा है, मोर देन लैक्स भी चल रहा है, जो भी जो अनएबल है पेमेंट करने के लिए। इससे मैं जो हमारी जो एलजी साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो ये बिल का सिस्टम है वो प्रॉपर किया जाए, प्रॉपर रीडिंग से साथ आना चाहिए। जम्मू की जनता रेवेन्यू देने में अभी आज तक पीछे रही है, जितना रेवेन्यू आज तक जम्मू से मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से प्रॉब्लम एकदम, जिसके पास कुछ खाने के लिए पैसे नहीं है तो बिजली का बिल प्लस अगर कहीं कहीं अपनी गाड़ी लेके बाहर जाएगा उसके लिए टोल का खर्चा देना, मतलब कि इतना इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आज की डेट में लोगों की गाड़ियाँ घरों में खड़ी हैं कि टोल प्लाजा कहाँ से पेड करेंगे, कोई 3 चक्कर लगाएगा तो उसके लिए सिस्टम लग गया, कोई किसी के लिए अलग सिस्टम है। इसलिए मैं अलजी साहब से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को एक मैच्योरिटी से देखा जाए, उसके बाद हम जो आज की हमारी युवा राजपूत सभा, जो जंग वॉरियर्स हमारे जो आगे आए, वो भी डोगरों की विरासत में आए हैं, और आज जो उन्होंने इस कदम को आगे लाया, हम उनको दिल से फुल सपोर्ट करते हैं हमारी यूनियन, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कॉल बंद किया हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद।